ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे सर। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले पीएम और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत ने प्रोटोकॉल पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी। आज वही प्रोटोकॉल जंग एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार किरदार बदल गए। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीएम से बातचीत लाइव टेलीकास्ट हुई, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। केजरीवाल की चर्चा टेलीकास्ट करने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए, तो इस बार आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य टीवी पर लाइव प्रसारित हुआ। पिछली बैठक में सीएम केजरीवाल के लाइव प्रसारण पर आपत्ति थी कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया। आज के प्रोटोकॉल में लाइव ब्रॉडकास्ट की इजाजत थी। कैसे पता चले कि कौन सी बैठक से लाइव प्रसारण हो सकता है और कौन से में नहीं? एक ओर पीएम के लाइव टेलीकास्ट पर सियासत हुई, तो दूसरी ओर पात्रा कांग्रेस पर हमलावर हो गए। पैनल डिस्कशंस कॉल द प्रोजेक्ट एज मोदीज पर्सनल हाउस, और मैं एक डिबेटर हूं, मैं हर दिन डिबेट में जाता हूं पार्टी की तरफ से, और हर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का यही कह रहा होता है, ये तो मोदी का घर है, ये तो मोदी का महल, और यही डिजाइन में लिखा हुआ है कि उसको मोदी का महल और मोदी का पैलेस और मोदी का घर बताइए। कुंभ और ईद में जिस प्रकार की कंपैरिजन करके धर्म को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं इसमें कोई हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि आज हिंदू मुस्लिम सभी सफर कर रहे हैं और सबका साथ सबके विकास और विश्वास के साथ ही देश आगे बढ़ सकता है। मगर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की राजनीति, आप कुंभ को बदनाम करिए और ईद के विषय में कुछ मत कहिए, इस प्रकार की सोच हो सकती है किसी की? बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस एक टूल किट के जरिए इस संकट के वक्त में प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पैंडेमिक है, उस पैंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है, वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है, उसे जान रही है। आज भी 4000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है कोरोना को लेकर। टूल किट किसने बनाया? टूल किट बीजेपी तैयार करती है, विपक्ष उसका इस्तेमाल अगर ना करे तो क्या करे? कथित फर्जी टूल किट मामले में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ तुगलक रोड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची, जिसमें जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की गई है। उधर केंद्र सरकार के एक्शन को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर तंज मारा। मोदी सिस्टम में जितनी आसानी से सवाल उठाने वालों की गिरफ्तारी होती है, उतनी आसानी से वैक्सीन मिलती तो देश आज दर्दनाक स्थिति में ना होता। एक ओर कोरोना की मार झेल रहा देश, तो दूसरी ओर कोरोना पर जारी सियासत जो देश में कोरोना की जंग को लगातार कमजोर कर रहा है। कोई भी राज्य हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी का राज हो, इंतजाम पूरी तरह से कुल है, लेकिन सियासत फुल है। आज तक ब्यूरो।